अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, ख़ास तौर पर SDRA के मोज़ीज़ ख्वातीन हज़रात और मेहमान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका मेज़बान मैक वी लॉक्स 945 का रिटायर्ड मेजर मुसर्रत आपसे मुखातिब है और आपको खुश आमदीद कहता है। आप इस वी लॉग में, अगर आप तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर सब्सक्राइब को क्लिक करें, फिर बेल आइकन पर प्रेस करें, फिर ऑल को प्रेस करें और इस तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगे। अब आप वीडियो देखें जी नाजरीन। तो इससे पहले कि आप वीडियो देखें, आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये मलिरकैंड में जो फेज़ टू का हिस्सा था, पहले SDRA कहलाता था, सेमी डिटैच्ड हाउसेस थे, वो अब अस्करी 5A में ये चला गया है उसके साथ, और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके साथ अटैच हो गया सब काम के लिए। अब ये फेज़ टू नहीं रहा है, ये अब अस्करी 5 सेक्टर A रहा है। तो उस सिलसिले में एक डिनर भी हुआ और एक मीटिंग SDRA पुराने SDRA की हुई, और जिसमें तमाम तफसीलें भी बताई गई और जिसको विंग कमांडर ब्लैश साहब ने हेड किया और उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला तमाम लोगों को की तरफ से और मेरी तरफ से भी ख़ास तौर पे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने काफ़ी मेहनत से चीज़ों को संभाला, वरना तो पहले सेक्रेटरी साहब जो बने एक ज़माने में थे, उसके बाद ऐसा गायब हुए कि फिर नज़र ही ना। अब बाकी वीडियो देखिए इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। ऑफिसेस बने हैं, नया कुछ सब कुछ नया बना है, हर चीज़ उनको मुहैया की है और वो वहाँ पे अब इसको लुक आफ्टर करने के लिए उन्होंने बना दिया। ये सेक्टर ए हमारा इसलिए रहा कि दीवार के उस पार, अस्करी 5 की दीवार के उस पार सेक्टर बी से शुरू हो रहा था सिलसिला। सो दैट मीन्स कि इसको ऑलरेडी उन्होंने किसी न किसी नज़र में रखा था कि इसको सेक्टर ए किसी भी स्टेज पर हमें बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नाउ नोन एज अस्करी 5 सेक्टर ए। इस सेक्टर के बनने के बाद से लेके अब तक 31st of March तक हम ऑपरेट करते रहे। पहले तो उन्होंने कहा था 31st January से, लेकिन दे कुड नॉट टेक ओवर इन एनी मैनर। आज भी उन्होंने टेक ओवर तो प्रॉपरली नहीं किया है, और उन्होंने हमें जो है वो 31st March को हमने उनको खैरबाद किया। 31st March तक हमने लोगों से पैसे कलेक्ट किए जो 400 रुपये महीना हम घरों से लेते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके अंदर एक एक साल का पूरा पहले ही पैसे देते थे या 6 महीने का दे दिया उन्होंने। वो पैसे हमने रिसेंटली लोगों को जिन्होंने फालतू दिए थे, जिनके एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास थे, वो हमने रिफंड कर दिए। ये रिफंड कहाँ से हुआ उसकी डिटेल भी मैं आपको जरा थोड़ी देर में दे देता। हमारा जो एक्सपेंस था, जो खर्चे हो रहे थे, उस खर्चों में जो हमारी जो इनकम थी वो ये थी, टाइम पीरियड कितना देंगे कंट्रोल नंबर का, उसका हिसाब किताब तो खैर हम उनके साथ रिजान करेंगे तो हमें पता चलेगा। देन अफसोस के साथ ये बात भी बतानी पड़ रही है कि हमारा जो ऑफिस था SDRA का, इस ऑफिस में इलेक्ट्रिक सिटी का कोई निज़ाम नहीं था, सप्लाई नहीं थी, कुंडे पे चल रहा था। जब से ये बना है ऑफिस, उस वक्त से लेके हम आए हैं, उस वक्त तक कुंडे पे। इसके बारे में जब लास्ट ईयर ज़्यादा लोड शेडिंग शुरू हुई, स्टेशन कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में उन्होंने ये हुक्म दिया कि तमाम कुंडे फेज़ 1 फेज़ 2 REC जहाँ भी हैं वो सारे रिमूव किए जाए। जैसे ही वो कुंडे रिमूव हुए, हमारा ऑफिस नॉन फंक्शनल, ना कंप्यूटर चल रहा है, ना पंखे चल रहे हैं, ना लाइट चल रही है। सो आई टुक अप दिस चैलेंज और मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर से जाके रिक्वेस्ट की कि चूंकि ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये SDRA के जो घर बने थे उनमें SDRA की जो उस वक्त की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने ये ऑफिस बनाए थे, तो ये प्रॉपर्टी किसी की थी नहीं, ना कोई इनका नंबर था। लेकिन स्टेशन हेडक्वार्टर ने हमें बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने एक लेटर दिया और के इलेक्ट्रिक को लेटर लिखा कि इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। तकरीबन 2 से 2.5 महीने का मुझे टाइम लगा भाग दौड़ उनके साथ, उनके ऑफिस के साथ, उनके GMs के साथ ये की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए और हमारे इस ऑफिस में प्रॉपर मीटर लगा जिसके ऊपर तकरीबन 42 से 45 हज़ार रुपये हमारे खर्च हुए।
इसके बाद गैस के क्राइसिस शुरू हुए। गैस के क्राइसिस में आप सबको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा था। हमने उस सिलसिले में कोई स्टोन भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ना अनटर्न किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल से लेके GM, MD, SSGC, then core commander, and then even to the GHQ letters required गए through station headquarter, और उन पर सुनवाई जैसी भी हुई जो भी हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। आजकल तो फिर काफ़ी माशाल्लाह अच्छी आ रही है, लेकिन खदशा अगेन वही है, तलवार वहीं लटकी हुई है कि जब हम पहुँचेंगे विंटर्स में तो हमारे साथ शायद यही कुछ होगा अगर इस पर कोई मजीद एक्शन ना लिया गया हो। हमारी उनके साथ ये एक बहस चली थी जिस पे SSGC तैयार भी था कि हमें एक डेडिकेटेड लाइन फेज टू के लिए जिसमें SDRA और MDRA दोनों शामिल थे, ये उस वक्त की बात है जब REC डिसॉल्व नहीं हुई, तो इनके लिए वो लाइन जो है वो ले करें, विच दी MD एग्रीड एंड ही सेड ओके नेक्स्ट सीजन के आने से पहले वी विल इंशाल्लाह एड दिस कि ये हमें लाइन जो है वहां पे हम बिछा दें। थैंक यू सर, पहुंचा दो उधर भाई, ये बात करना चाहिए भाई, दे दो उधर नहीं वो मैं आगे इधर वहां का इदरीस साहब को दो, सबसे पहले आप बता देना सर इदरीस, ये माइक आपके पास आ रहा है, बात कर लीजिए नाउ अप टू द हाउस, रिक्वेस्ट द हाउस, यस सर, वी रिक्वेस्ट द हाउस टू इलेक्ट द कमेटी टू रिप्रेजेंट अस एज अ कंसल्टेटिव एसोसिएशन एंड 3 मेंबर्स आई थिंक हैव टू बी नॉमिनेटेड, यस सर, सो आई वुड पुट इट टू द हाउस एक्चुअली समबडी शुड call a name and others should, somebody else should support and second it. So in my case, I say Colonel Zayed and Khaled should remain the members of this committee, associated committee. And the third person is somebody. Okay, I recommend Colonel Salim also to be a member of this committee. अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं तमाम रेजिडेंट्स की तरफ से मैं चाहूँगा कि हम एक वोट ऑफ थैंक्स दें विंग कमांडर जिनायत और खालिद साहब को जिन्होंने अकेले बहुत ये सारे काम किए हैं, लोगों के इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद लोग क्रिटिसाइज करते रहे उनको हेल्प किसी ने नहीं किया तो ये क्रेडिट उनको जाता है। इदरीस ने जो कमेटी की बात की है मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कमेटी करनी चाहिए, अभी मैं सोचता हूँ कुछ हमें फ्रेश मेंबर्स को कामयाब होना चाहिए जो जाकर इस चीज़ को आगे कर सकें, उसमें मैं 2-3 नाम सजेस्ट करूँगा आप लोग डिसाइड कर लें। एक मैं कैबिनेट सलीम खान का नाम सजेस्ट करता हूँ, कौन जिसको जाकर लड़ना चाहिए और लड़ते रहेंगे, जब वो ज़्यादा लड़ाई कर लें तो फिर कमेंट कैसा रहें जो जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा ठंडा जाके चीज़ों को कर सकते हैं। तीसरा मैं चाहूँगा खालिद साहब जस्ट डेफिनेटली शुड कंटिन्यू जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर मेजर भुट्टा और मिस्टर कामरान ये दोनों काफ़ी एक्टिव हैं, और उपहार मिर्जा है जो काफ़ी एक्टिव है उसके लोगों को सारी चीज़ें करने के लिए। ये नहीं ये बातें आप लोग डिसाइड करें, मुझे एक नाम सजेस्ट किए हैं डिसाइड बैनर करेंगे। अच्छा जहाँ तक पैसों की बात है मैं अगर स्पेशल में बातचीत कर रहा हूँ, एक तो ये जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं यही डील करेंगे हाउसिंग डायरेक्टरेट के साथ, अभी जो बेसिक एक प्रॉब्लम हमें आने वाला है इस कम्युनिटी को हाउसिंग डायरेक्टरेट में सर्वेंट्स और मेड सर्वेंट्स के सबके दोबारा कैंप पासिंग वगैरह की काफी शुरू कर दी है, कोई पता नहीं बाद में हम लोग को भी कहेंगे आप भी एक असली पाइप का पास बन रहे हैं, उसके लिए हर एक इंडिविजुअल वहाँ जाने के बजाय अगर ये फॉर्म्स कलेक्ट हो सकते हैं एक जगह पर और फिर वहाँ सबमिट किए जाएं और फिर जाके करें, उसके लिए अभी हम डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये कमेटी मेंबर्स ये काम करें, ये जो हमारा पैसा है उसमें हमें एक आध बंदा रखना पड़ेगा
जो इस काम के करेक्शन पे हो सकता है। इसी तरह हमें एक क्या मैं उसमें जो मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छे से हमारे पास काम कर रहे हैं कि जबार पहले तो जबार जो ये फॉर्म निकाल कर और दूसरा एक क्लर्क हमें रखना पड़ेगा कि जो फॉर्म्स के रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए और वो सजेस्ट करूँगा काजिम जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है इसके लिए जो हमारे पैसे हैं क्योंकि ये रिव्यूज इसके पे काम करेंगे। काजिम हफ्ते में दो दिन आए जो कि इस पर कंप्यूटराइज पे जो कुछ काम करना है रिकॉर्ड रखना है जो बार भी हफ्ते में दो तीन दफ़ा जाके चक्कर लगाए इस तरीके से तो हम उनका पैकेज वगैरह भी कम कर सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इसमें क्या फैसला करना है। फर्स्ट के पहली बात तो ये है कि जी द वर्ड ऑफ थैंक्स दैट हैज बीन गिवन टू विंग कमांडर वलायत आई थिंक आई सेकंड हिम एंड आई एम रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर हैविंग डन सो मच वेल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई थिंक इट्स ग्रेट एंड वी नीड टू थैंक यू फॉर इट। Well done, sir, and thank you very, very much. We are very, very, very deeply obliged to you. Khalid sahab ko to main kuch nahi kahunga because Khalid.